हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गोरखपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, गोरखपुर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िलों में से एक गोरखपुर ज़िला के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर ज़िला उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा नेपाल देश से मिलती है। गोरखपुर ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस गोरखपुर शहर में मौजूद है, और गोरखपुर ज़िला होने के साथ साथ गोरखपुर मंडल का हेडक्वार्टर भी है। तो दोस्तों, गोरखपुर ज़िला गोरखपुर मंडल के ही अंतर्गत आता है। इसके अलावा गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत चार ज़िले आते हैं, पहला गोरखपुर ज़िला, दूसरा महाराजगंज ज़िला, तीसरा देवरिया ज़िला और चौथा कुशीनगर ज़िला। दोस्तों, बात करें पड़ोसी ज़िला की तो गोरखपुर के पूर्व में देवरिया ज़िला व कुशीनगर ज़िला, पश्चिम में संत कबीर नगर ज़िला, उत्तर भाग की ओर महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर ज़िला, दक्षिण भाग की ओर मऊ, आजमगढ़ व अंबेडकर नगर ज़िला है। गोरखपुर ज़िला में 7 तहसील, 20 ब्लॉक, 1 नगर निगम, 28 पुलिस स्टेशन, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 31 बैंक, 15 कॉलेज, 9 नगर पालिका, 7 मुख्य सरकारी अस्पताल, 1354 ग्राम पंचायतें, 8 शहर और 3448 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो गोरखपुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गोरखपुर ज़िला की कुल आबादी 44,40,895 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 22,77,777 और महिला की कुल आबादी 21,63,118 है। गोरखपुर ज़िले का औसत लिंगानुपात 903 के करीब है, यानी कि गोरखपुर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 903 महिला हैं। इस ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या UP53 है। गोरखपुर ज़िला की मुख्य नदी का नाम राप्ती नदी है। राप्ती नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 273 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 822 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के चारों तरफ घूम सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े बड़े ज़िलों से मिलती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो गोरखपुर जंक्शन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि गोरखपुर जंक्शन में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इस ज़िले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम गोरखपुर जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड GKP है। इस रेलवे जंक्शन में 10 प्लेटफॉर्म व 26 पटरी शामिल है, और इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटक स्थल की बात करें तो गोरखपुर ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के पर्यटन स्थल में शुमार विंध्यवासिनी पार्क, नौका विहार, तारामंडल, रामगढ़ ताल, गीता वाटिका, चौरी चौरा, जो कि चौरी चौरा कांड के नाम से आप इतिहासों में पढ़ते होंगे, गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर का इमामबाड़ा, रेल म्यूजियम, कुसमी वन और यहाँ की शाह बाले मियाँ साहब की मजार शरीफ आदि नामों से लोग
काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, यहाँ के शिक्षा की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर 75% है और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये सभी इसी गोरखपुर ज़िला में मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो गोरखपुर ज़िला में एम्स, जो देश के उन चुनिंदा अस्पतालों में से एक है, वो गोरखपुर ज़िला में स्थित है। और दोस्तों, अभी उसका जो काम है वो अभी चल रहा है, यानी कि वो अभी बन रहा है। इसके अलावा बीआरडी मेडिकल कॉलेज, लाइफ केयर, सावित्री हॉस्पिटल, बुद्धा हॉस्पिटल, राप्ती हॉस्पिटल और पार्क हॉस्पिटल आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, गोरखपुर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।